भी चर्चा कराना चाहिए। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, किसान विरोधी बिलों पर, पेगासस पर, लेकिन ना लोकसभा ना राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी शाह की सरकार को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने मना कर दिया। आखिर इन मुद्दों पर चर्चा संसद में नहीं होगी तो कहां होगी? एक तरफ यूपीए सरकार में और उसके पहले कांग्रेस पार्टी की सरकारों में जब इस प्रकार के जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की मांग की गई, चर्चाएं हुई, बहस हुई, उन्होंने विपक्ष ने अपना पक्ष रखा, सरकार ने अपना पक्ष रखा और जनता के सामने ये बात कही। लेकिन मोदी शाह की जोड़ी जो है पूरे तरीके से सत्ता का केंद्रीकरण उन्होंने कर रखा है, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में हो सकता। इसीलिए AICC ने यह तय किया है कि वे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग लोगों को भेजेंगे। आज की जो समस्याएं हैं महंगाई की, बेरोजगारी की और किस प्रकार राष्ट्रीय संपत्ति को, राष्ट्रीय संपदा को और जो कांग्रेस पार्टी ने 1947 से लेकर 2014 तक जो राष्ट्र निर्माण में PSU और पब्लिक सर्विस के जो प्रोजेक्ट बनाए, चाहे बांध हो, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे पोर्ट्स हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, उन सबको बेचने के लिए उन्होंने नेशनल मोनेटाइजिंग पाइपलाइन की घोषणा की। लायक बेटे में और नालायक बेटे में एक फर्क होता है। लायक बेटा जो उसे विरासत में मिलता उसको जोड़ता है और नालायक बेटा जो उसे विरासत में मिलता है उसे बेचकर कर्जा लेकर और भी जीता है। यही फर्क है कांग्रेस और भाजपा। मोदी जी कहते हैं कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो आप बेच क्या रहे? वो संस्थाएं अब भारत पेट्रोलियम जो कि हर साल 8 से 10 हजार करोड़ का में आपको मुनाफा देता है, उसको भी वो बेचना चाहते हैं। LIC जो 100 करोड़ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी वो आज जबकि लाखों करोड़ की हो गई है और करोड़ों लोगों को उन्होंने सस्ते दामों पर, सस्ते प्रीमियम पर जीवन बीमा कराया है, उसको भी बेचना चाहते हैं। इसकी वजह से आज आपके बिहार में भी LIC के एजेंट्स में लगातार कमी होती जा रही है।